अब बड़ी खबर मेरठ से, जहां पर डॉक्टर पर बदमाशों ने फायरिंग की है। डॉक्टर पर मेरठ में बदमाशों ने फायरिंग की है। ये अपेक्स अस्पताल की डॉक्टर अतिया सना बताए जा रहे हैं जिन पर फायरिंग हुई है। पार्टनरशिप को लेकर ये विवाद बताया जा रहा है और विवाद में फायरिंग हुई है। डॉक्टर अतिया सना पर फायरिंग हुई है। अपने घर से अस्पताल के लिए डॉक्टर निकली थी। बलराम पांडे हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा अपडेट्स और जानकारी देंगे। बलराम बताएं। राजीव, ये अतिया सना मेरठ के शास्त्री नगर सेक्टर 13 की रहने वाली हैं और ये अपने घर से निकल के अपेक्स हॉस्पिटल जा रही थी। उसी दौरान हापुड़ रोड के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने इनके ऊपर फायर किया और फायर करने के बाद वो फरार हो गए। हालांकि गोली ना ही इनकी गाड़ी में लगी है और ना ही इनको लगी है। उसके बाद जब इन्होंने 112 नंबर डायल करके पुलिस को सूचना दी, मौके पर पुलिस पहुंची है और पूरे मामले की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में पुलिस ने बताया है कि इनका पार्टनरशिप को लेकर के विवाद चल रहा था, जिसको लेकर के इन्होंने पहले भी शिकायत की है। हालांकि अब क्या है, फायरिंग हुई है या झूठे आरोप हैं या इनके ऊपर वाकई फायर किया गया है, इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन राजीव, जिस तरीके से देर रात एक महिला डॉक्टर पर फायर हुआ है तो कहीं ना कहीं सवाल तो पुलिस की कार्यशैली पे भी खड़े होते हैं और यही वजह है कि पुलिस भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जाँच कर रही है। जो इनके पार्टनर थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है और इनसे भी पूछताछ की गई है कि आखिरकार उनका हुलिया क्या था, किस गाड़ी से थे वो बदमाश और किस तरफ गए हैं। अब उस इलाके के भी सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे हैं ताकि बदमाशों की। ठीक है बलराम, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो पुलिस जांच कर रही है मामले में। अब बड़ी खबर मेरठ से, जहां पर डॉक्टर पर बदमाशों ने फायरिंग की है। डॉक्टर पर मेरठ में बदमाशों ने फायरिंग की है। ये अपेक्स अस्पताल की डॉक्टर अतिया सना बताए जा रहे हैं जिन पर फायरिंग हुई है। पार्टनरशिप को लेकर ये विवाद बताया जा रहा है और विवाद में फायरिंग हुई है। डॉक्टर अतिया सना पर फायरिंग हुई है। अपने घर से अस्पताल के लिए डॉक्टर निकली थी। बलराम पांडे हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा अपडेट्स और जानकारी देंगे। बलराम बताएं। राजीव, ये अतिया सना मेरठ के शास्त्री नगर सेक्टर 13 की रहने वाली हैं और ये अपने घर से निकल के अपेक्स हॉस्पिटल जा रही थी। उसी दौरान हापुड़ रोड के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने इनके ऊपर फायर किया और फायर करने के बाद वो फरार हो गए। हालांकि गोली ना ही इनकी गाड़ी में लगी है और ना ही इनको लगी है। उसके बाद जब इन्होंने 112 नंबर डायल करके पुलिस को सूचना दी, मौके पर पुलिस पहुंची है और पूरे मामले की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में पुलिस ने बताया है कि इनका पार्टनरशिप को लेकर के विवाद चल रहा था, जिसको लेकर के इन्होंने पहले भी शिकायत की है। हालांकि अब क्या है, फायरिंग हुई है या झूठे आरोप हैं या इनके ऊपर वाकई फायर किया गया है, इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन राजीव, जिस तरीके से देर रात एक महिला डॉक्टर पर फायर हुआ है तो कहीं ना कहीं सवाल तो पुलिस की कार्यशैली पे भी खड़े होते हैं और यही वजह है कि पुलिस भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जाँच कर रही है। जो इनके पार्टनर थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है और इनसे भी पूछताछ की गई है कि आखिरकार उनका हुलिया क्या था, किस गाड़ी से थे वो बदमाश और किस तरफ गए हैं। अब उस इलाके के भी सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे हैं ताकि बदमाशों की। ठीक है बलराम, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो पुलिस जांच कर रही है मामले में।